हाँ, ये आपने जैसे 94 की बता रहे, मुझे भी आज ही जानकारी मिला है और शुक्रिया आपने ये सेम चीज़ को बता दिया। और ये अब इस उनके जो डिमांड सबमिट किया है विल एग्जामिन फिजिबिलिटी है कि नहीं, सरकार का पारवे में आता है कि नहीं, सरकार कर सकते कि नहीं, वो देखिए हम जो जो सरकार के पारवे में होगा आप करेंगे। सर, एज यू आर द एजुकेशन मिनिस्टर एंड अरुणाचल पे आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है ऑन एजुकेशन दैट थिंग, सो उस पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है। आरजीयू पे एक है डिपार्टमेंट आर्ट्स का, तो आपके गवर्नमेंट की तरफ से उसका क्या सेम चीज़ जो आज मेमोरेंडम दिया है विल एग्जामिन, फाइन आर्ट्स वाला आज मेमोरेंडम दिया है विल एग्जामिन, फिजिबिलिटी है तो हम जरूर करेंगे। हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ डिमांड हम लोगों ने उसको प्लेस किया है सर का ऑफिस के लिए। बेसिकली सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट अभी तक मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन इसमें हम लोग गवर्नमेंट को भी फुल्ली कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब से ये एस्टैब्लिश हुआ है तब से लेके अभी तक मतलब बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, ऐसा नहीं था। फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम देर वॉज यू नो इनिशियल पीरियड में ये एक्टिव था, इसके बाद ये फिर ये भी डिफंक्ट हो गया था। सो वंस वी द यूथ्स व्हेन वी टुक अप इन द ईयर 2017 से लेकर अभी तक हम लोग जब यू नो सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी का इम्पोर्टेंस क्या, जिन या रिचुअल में ही रहता है, बट दैट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर शुड नॉट बी कन्फाइंड टू दैट ना। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर इज़ हम लोग किस तरीके का लाइफस्टाइल जीता है, हम लोग का एक्टिविटीज़ क्या है, हमारा एनवायरनमेंट में जो सामान मिलता है उसको हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग अगर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर नहीं आएगा तो आर्ट एजुकेशन को कभी वैल्यू नहीं करेगा। तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट वही था कि आर्ट एजुकेशन का पोस्ट क्रिएट करना चाहिए बोल के ना, क्योंकि अभी तो एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत चेंज हो गया है तो उसमें अभी तो ये लाना ही है। और दूसरा पॉइंट ये था कि हम लोगों का जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हम लोगों का सोसाइटी के साथ एफिलिएट होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के लिए बहुत एनफ फंड मिलता है, सो डैट हम लोग का कल्चर हेरिटेज प्रिजर्व रहने के लिए ना। हर स्टेट्स का आप देखिए, ओडिशा बोलिए, झारखंड बोलिए, आसाम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मिजोरम बोलिए, उन लोगों का सबका अपना एक GI भी होता है। GI जो हम लोग का अरुणाचल में अभी तक अभी के टाइम पे 21st century में अभी तक भी हम लोग बहुत पीछे हैं हम लोग कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करने का सेंस में ना। तो उस एरिया में भी अगर हम लोग देखा जाएगा तो एक आर्ट एंड कल्चर जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आर्ट सोसाइटी का साथ एफिलिएट होगा तो हम लोग मतलब और सिस्टमेटिकली और सेंसिटाइजली हम लोग काम कर सकेगा। तो ये हम लोगों का दूसरा मेमोरेंडम था। इसके बाद अभी फ़िलहाल तो हम लोग ने सिर्फ इतना ही रखा है, तो अगर सर अगर हम लोग को सपोर्ट करेगा तो आई थिंक जो अभी जो बच्चा इंटरेस्टिंगली आपको पता है हम लोग का आर्ट सोसाइटी में मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ना, ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं है। ये भी एक हम लोग का आर्ट एजुकेशन का मतलब आर्ट एजुकेशन सिस्टम जैसा चल रहा है ना उसका भी फॉल्ट है ना, क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग और अपना अपना सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं नॉट बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड बट बिकॉज उसी में फ्यूचर स्कोप है ऐसा करके ना पढ़ने दे रहा है। तो अभी जब अभी देखो वो इंजीनियरिंग पढ़ के ख़त्म करके आ रहा है, लॉ पढ़ के ख़त्म करके आ रहा है, फिर अभी जाके वो लोग आर्ट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो आर्ट जो मतलब इतना थेरोपेटिक सब्जेक्ट भी है, तो वो सब चीज़ को कंसिडर करके हम लोग जो मेमोरेंडम डिमांड प्लेस किया है वो भी इट मेक्स सेंस कि अभी के टाइम पे यू नो MOD अगर प्लेस करना इट्स नॉट यू नो मीनिंगलेस, इट हैज़ अ मीनिंग। तो आई होप
कि हम लोगों का एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ को सपोर्ट करे और इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मिनिस्टर का भी कंप्लीट पावर तो नहीं है, इसको वो कैबिनेट में प्लेस करना पड़ेगा, इसके बाद कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी और हम लोग का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो लोग भी इस चीज़ को अग्री करना पड़ेगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व, बट आई होप दैट एवरीवन विल अग्री टू दैट. मैम, एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन, वर्कशॉप करने के लिए ट्राई करेगा, प्लान किया है ये साल हम लोग ने. हम लोगों का वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, एजेंडा ना ये साल का है, लेकिन अभी कोविड का वजह से उसको हम लोग कम्प्लीटली मतलब टेकअप नहीं ले रहा है. और दूसरा बात ये है कि पहले से क्यों स्टार्ट नहीं किया, पहले से इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि क्योंकि हम लोग भी इनएक्सपीरियंस था और हम लोग का पास फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, यू नो. उसको मतलब कोई भी चीज़ को फ्री से देने के लिए वो तो प्रैक्टिकल नहीं है. और इसके बाद हम लोग का आफाज का सोसाइटी में कम्प्लीटली नॉन ट्रेंड मतलब सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, ट्रेंड आर्टिस्ट है लेकिन जस्ट फ्यू हैंडफुल, आई थिंक 3-5 पीपल ओनली, नॉट मोर देन दैट, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. हाँ, पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज बेसिकली टू फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड एज वेल एज फॉर द ऑडियंस टू नो द असेंबली, क्योंकि आपको पता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा बोला, हमको फ्यू कॉल्स आया कि वेर इज़ द असेंबली, यू नो. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मैटर ऑफ कंसर्न कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ में है. असेंबली एक ऐसा प्लेस है जो सबको मालूम होना चाहिए, क्लास 9 का बच्चा से लेकर सबको मालूम होना चाहिए कि असेंबली कहाँ है, क्योंकि यहाँ में हम लोग का राइट्स का बारे में बात करता है ना. तो असेंबली का मेन वन ऑफ द मतलब मोटिव टू यू नो इंट्रोड्यूस पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू इनेबल टू मतलब ऑडियंस को एक्सेस कराने के लिए कि असेंबली आपका है ना, एंड यू शुड नो योर असेंबली. तो नो योर असेंबली ही थीम है इसका ना, तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन को रखा है. गोइंग बैक टू योर मेमोरेंडम वेयर यू हैव डिमांडेड टू कॉल, इट्स जस्ट अ सोसाइटी, यू नो, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आई थिंक a demand to have an academy is a big thing again. So we are not in a, you know, we are not in that state of mind or in that level of maturity to demand for such thing, because you see, Rajiv Gandhi University, it's a central university. That central university itself has one fine arts department. I think that can give a lot to the people of the states, you know. But what we can do as in society is that we can demand that those whoever is studying in that fine arts department, when they complete their studies, there is some scope for them, you know. This is where the society can help. So I think this is where we are heading towards, rather than, you know, emphasizing that we also want academy, okay, because the state already has a fine arts department. I don't think we can we should focus on other academy to create, but rather we should focus on what scope we can create for those who complete the studies. Yeah.